उनके सामने वो खून बहते हुए देखा है ना, तो वो मुझे मतलब इतना कुछ हो रहा है, मैं क्या ही बोलूं। तीन चार भाइयों को देखा जिन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा मारा था, तो मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो गाइस इस व्लॉग में ना मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो जरूर एंड तक देखना और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या आप इनको जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनको नहीं जानते होंगे, आप उनको जरूर जानते होंगे। आपको पता है कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है और आज जो है हमारे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके साथी जो है वो शहीद हुए थे। तो इस दिन जो है शहीद जो है वो मातम मनाते हैं उनकी याद में, तो हम भी जा रहे हैं देखने के लिए मातम में जुलूस किस तरह से वो निकालते हैं। मैंने कभी देखा नहीं है तो पहली बार जा रही हूँ देखने के लिए, तो आप सबको भी मैं दिखाऊंगी जम्मू के अंदर किस तरह वो जुलूस निकालते हैं उनकी याद में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोबिया वसीम राजपूत। आप वसीम का नाम जो है वो मैंने हटा दिया है, बट फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से तो मैंने हटा दिया हुआ है, बट फेसबुक से जो है उनका नाम नहीं हट रहा है, पता नहीं। तो वसीम को साइड पर रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली, होप कि जैसे सारे ठीक ठाक होंगे। गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ शाम के 4 बजे के करीब। तो अभी हम तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से मुहर्रम के महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। तब भीड़ होती है तो वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी हमें, तो फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते हैं, तो बाकी जो भी रहेगा वो सब हम आपको ब्लॉग में बताएंगे। तो वैसे हम चले ठीक है निकले। अरे मुँह से कुछ बोलो तो सही, बोलते क्यों नहीं हो आप, कैमरे के सामने नहीं बोलते हो। मतलब जब कैमरा मेरा ऑन होता है तो वसीम कुछ भी नहीं बोलते हैं, बट कैमरे के पीछे जो है ना बहुत कुछ बोलते हैं। तो गाइज आज का मौसम जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, लग रहा है बहुत तूफानी बारिश होने वाली है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जीवल, ट्रैफिक तो इतना ज्यादा नहीं है, कजिन मेरा स्कूटी चला रहा है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं शीदी चौक और वसीम आते समय खाना स्टार्ट हो गया, इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि सोबिया भी है मेरे साथ, इनको भी पूछ लूं। तो गाइज बाकी आप देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, मेरे को तो लग रहा है कि मैं इस भीड़ में ही कहीं गुम हो जाने वाली हूँ, तो मिलने वाली नहीं हूँ। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं दूसरे कजन को, वो तो हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ सामने देखो गाइस यहाँ क्या हो रहा है। गाइज आप इस भाई को देखो, इन्होंने तो अपना बहुत ही बुरा हाल कर दिया, इन्होंने ना अपने सर में बहुत ज्यादा मारा है, तो उसकी वजह से इनको देखो कितना ज्यादा मतलब ब्लड निकला है और पूरा फेस ही इनका ब्लड से भरा हुआ है, और ये डॉक्टर हैं साथ साथ में जो ब्लड वगैरह जो वो साफ कर रहे हैं। तेरे को जंजीर दिया ना चलाने को। गाइज अभी शाम के बज रहे हैं 8 बजे के करीब, मैं जस्ट अभी घर जा रही थी और अभी मुझे पता है आपको मुझे कौन यहाँ पर मिले हैं, मैं अभी उनसे मिली नहीं हूँ, जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, तो आप सबको भी मैं उनसे मिलवाती हूँ। तो शायद ही आप उनको जानते ही होंगे, वो भी ब्लॉगिंग वगैरह जो है वो करते हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ उनके पास, तो मेरे को थोड़ी बहुत हेजिटेशन भी हो रही है। तो गाइस ये रहे राजा भैया। नमस्ते, सत श्री अकाल, ठीक हो भैया आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मेरी बहन और भाई इतनी मतलब मेहनत कर रहे हैं ना भाई, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है जी, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लो। हमारा क्या भाई, हम तो गाड़ी चलाते हैं, कंटेंट वगैरह निकाल लेते। तो ये है राजा भैया की गाड़ी। लोगों की पर्सनल गाड़ी होती है लेकिन हमारी पर्सनल नहीं है। हाँ। हमने मेहनत करनी है, इसी से रिजिक रोटी कमानी है। अच्छा। बस यही चीज बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो भाई, जो भाई कर रहे हैं ना मेहनत करो कंटिन्यू, और कोई भी काम कर रहे हैं ना उसमें शर्म मत करो। हाँ। ठीक है, बंदा बोलेगा मैं पढ़ा लिखा हूँ कुछ भी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करो, जो भी काम कर रहे हो मेहनत करो। आज का टाइम ऐसा है ना
इंसान को सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। जी जी। अब बंदा सोचेगा मेरी जॉब लग जाएगी ये वो, इतना जल्दी तो कुछ होता नहीं। हाँ, वो तो नहीं होता तो उसका फल जरूर मिलेगा एक। जी हाँ। बाकी एक चीज और बोलना चाहूंगा, काफी लोग ना बैड कमेंट वगैरह करते रहते, करने दो भाई, जो कर रहे हैं ना उनको कर रहे। जी ठीक है, आप कुछ बोलोगे? वसीम कुछ बोल ही नहीं रहा है। चाहूंगा ना जल्दी से जल्दी मैं वसीम सोबिया हम ना मतलब एक अच्छी सी वीडियो जी मतलब देखेंगे, अभी सोचेंगे कौन सी अच्छी सी वीडियो होते हैं ना, कभी किसी को गाइड करना या कुछ करना, उस टाइम उस टॉपिक पे हम अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये मुझे ना अचानक मिला, अगर मुझे पता होता ना ये यहाँ मिल रहे हैं तो फिर हम किसी अच्छी सी लोकेशन पे जाते, अच्छी सी वीडियो। जी जी हाँ। तो चलो कोई भाई नहीं, ऐसे सपोर्ट बनाए रखना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। तो गाइस आपको कैसा लगा इनसे मिलकर, कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या आप राजा भैया को जानते हो, राजा रमीज ब्लॉग। हाँ वाओ, गले मिल रहे हो। फाइनली गाइस हम घर वापस आ चुके हैं, तो अभी रात के बज रहे हैं 9। सच में वसीम ने सच बोला था कि मेरे को ना वहाँ पर बहुत कुछ होगा, तो मैंने वो सब देखा। सच बताऊं तो अभी तक मतलब मेरी आंखों से वो सीन मतलब हट ही नहीं रहे हैं, तो अब जो ना वो काम ही नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, और मैंने फिर व्लॉग भी वहां पर नहीं बनाया। तो गाइज मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अभी का व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ।